सो एक तड़ी पार शूटर दुबई का किंग अपने गांव आया वापस बहुत सालों के बाद। वो बड़ा मशहूर डॉन था। अपने गांव में घूमने के बाद उसको हजामत बनवानी थी, शेव करवानी थी। अब वो पहले नाई के पास गया, बोला 5 लाख रुपए दूंगा शेव करने के। नाई बड़ा खुश हुआ, 5 लाख मिलेंगे? बोला बस एक शर्त है कि अगर साले उस तरह लग गया गोली मार दूंगा। अगर उस तरह इतना सा भी लगा तो आई विल शूट यू। उसने बोला महाराज हमको नहीं चाहिए 5 लाख, अपने पास रखो। एक वेस्टेज का नेटवर्कर था। वेस्टेज के नेटवर्कर तो साला गली गली है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वेस्टेज का आदमी ना मिले। वो भुट्टा वाला मिल गया हमको वहां पे। तो उसको पता चला कि कोई 5 लाख रुपए में हजामत बनवाएगा, तो वो खुद ही चला गया कि महाराज हमारी दुकान पे आइए, हम बना देते हैं। वेस्टेज का हमारे पास तो शेविंग क्रीम भी है, हैं? तो उसने बोला तेरे को पता नहीं है कि मैं कौन हूं? उसने बोला हुजूर सब पता है। उसने बोला तेरे को पता नहीं है कि शर्त क्या है? 5 लाख रुपए दूंगा लेकिन अगर उस तरह लग गया तो साले गोली मार दूंगा। उसने बोला बैठो जी, कोई दिक्कत ही नहीं। बिठाया, वेस्टेज का शेविंग जेल लगाया, मस्त शेव करी, बोला 5 लाख वादे के मुताबिक। देखो बेईमान आदमी भी ईमानदार होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसने 5 लाख रुपए दिए। उसने बोला साले तेरे को डर नहीं लगा? इतना कॉन्फिडेंस। बोला डरना क्या था? बोला अगर कट जाता तो? बोला कट जाता तो उस तरह तो मेरे ही हाथ में था, अगर कट जाता तो बोले साला उस तरह मेरे हाथ में था। बोला हल्का सा कटता साला गर्दन उड़ा देता मैं आपकी। बोले हल्का सा कटता था बोला गर्दन काट देते। खुद पर विश्वास करना और कॉन्फिडेंस होना चाहिए 100 में 100%।